चार्ज हो चुकी है और अब निकल रहे हैं सब। तो यहाँ पे कैसा रहता है, एकदम घास फूस एरिया है, एक नंबर मज़ा आती है सब, एकदम नेचर का स्वाद चखने को मिलता है। फ्लाई ओवर पर चढ़े हैं, इनका देखो कितनी ज़ोरदार है सब, घाटियों का लुक कितना मस्त लग रहा है यहाँ। प्लस ट्रेन की पटरी भी दिख रही है, बापू ट्रेन की पटरी आई आया दीजिए। बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी तक बस में हम लोग बैठे हैं और आगे शायद हाँ रेलवे क्रॉसिंग लाइन भी है यार ये। अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी है, क्या कर सकते हैं। कुछ ही नहीं है, अभी हम लोग जयपुर में यूपी के बॉर्डर पास अभी अर्जनेरा जा रहे हैं और पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। एक मिनट निकलने से चाहे और ट्रेन की पटरी आएगी, उसे क्रॉस करना है, सामने ही है। जब ट्रेन गई तब वीडियो ही नहीं बना पा रहा था, कूल लग रहा था। तो ब्रो पटरी सीधी है, यहाँ पर भेड़ बकरी घूमना आम है, अपना तो कितनी महंगी होती है। ये सब इसी ट्रांसप्लांट है ना, जो ट्रेन के बाजू में हमेशा रहते हैं और अपन देखते हैं। यहाँ का नज़ारा अच्छे से कैप्चर कर रहा हूँ, मम्मी अपने हिसाब से स्टेज करके बनाएगी। देखो ट्रेन की पटरी पार कर रहे हैं वापस से, ये ब्रिज का बना है, पार करने का, पार करने का ये। अरे अरे कितना साफ सुथरा है, ये कोई दूसरी बस, मेरी दूसरी बस जनाब लेकिन नहीं जानता। पीछे मत देखना, और पीछे देखती है तो पत्थर बन जाती है। तो उन्हें देख लिया था ना, हाँ तो अभी भी अपने वापस पीछे देखेंगे तो अपने भी होंगे। नहीं वो तो उस वक्त का जो भी था, हाँ शायद नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे था। यहाँ पे गाड़ी रुकी है क्योंकि देखेगा क्या करना है। यहाँ पे क्या होता है, पैसे दे दे तुम रोड पे चलते हो ना उसका, सरकार तो ऐसी नहीं लेगी चल। तो कितने रुपए लेती है, 100-150, 150 100 के अंदर ही रहती है, अपने यहाँ तो नहीं लेती है। लेती है तो कहीं ज़्यादा दूर जाना होता है तब, हाँ जब तुम है ना वहाँ जाओगे ना दूर पे, हाँ गुजरात के गाँव के अंदर जाओगे तो तुम्हारा को लगेगा तो। अच्छा यार को बहुत मार, तू ये सब पैसे मंगाएगा दौड़ वाले वो तो पैसे थोड़ा बड़ा है बेगा नहीं। अच्छा इन लोग इतने में कमा लेते होंगे,
भाई बता रहे हैं इसके पैसे लेते हैं, मुझे अभी पता चल रहा है। ये मैं इतना घूमता नहीं हूँ, ये घूमता है, बहुत बोर हो रहा है। एक जगह बैठे बैठे की बात लग गई है। मस्ती मत कर अभी यार, अच्छा लग रहा है। बहुत ट्रैक्स पे नहीं आ रहा, अच्छा बहुत गर्मी लग रही है। ये रहा हमारा यूपी और भाई का मज़ा। तो हम लोग पहली बार यूपी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं ये अर्च मेरा एक डिफेंडर कहाँ पे गोली देखो गोली। अरे हाँ भाई अभी ब्लॉग बना लिखा था उस पर, क्योंकि यूपी का हम फर्स्ट टाइम आपको दिखाते हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे नज़रिए से आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से लाल किला नहीं दिख रहा है, हाँ वो रहा लाल किला नहीं फतेहपुर सिकरी, हाँ जो भी फतेहपुर सिकरी। तू भी भैया लाल किला बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम जो भी है, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतनी दूर से खूबसूरत जो बात जाएंगे तो कैसा लगेगा। पंप पे उतरे हैं और ये पता नहीं कौन सी जगह, यहाँ पे एक्सेवेटर खड़ा है और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे बस रुकी है। अभी सब खड़े हैं, अभी यहाँ पे खड़ा था, अच्छा लग रहा था इसलिए उतार लिया। ये देखो दीवारें आ चुकी हैं फतेहपुर सिकरी की। ये देखो किला है ये, दरगाह है, वहाँ खराब है क्या? अच्छा दरगाह ना, दरगाह ये दरगाह है, ये जो रेडियो में सब पता होगा, मैं नहीं रहता इसीलिए मुझे नहीं पता। पेट्रोल पंप से हम लोग निकल रहे हैं, पेट्रोल पंप पे मोबाइल यूज़ नहीं करते, आप सभी को पता है क्यों, इसका रीज़न यहाँ सामने देखो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बाकी की बस पीछे है, हम आगे हैं और पिकअप्स भी हैं और जो छोटे टाइप के ट्रक्स होते हैं और दो कार आ रही हैं, लगता है दूल्हे भाई की कार भी पीछे है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से। ड्रोन उड़ रहा है शादी की रिकॉर्डिंग के लिए और ये सब चीज़ है, वहाँ पे अपनी हंसी सर्व करके खाना बढ़ रहा है और ये सब है यहाँ पे, वहाँ देश का सामान रखा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे उन्होंने कपड़े बदल लिए, वहाँ जगह थी नहीं तो यहाँ पे बदले, गर्मी भी बहुत थी। ये वाइट शर्ट पहन रहे, वाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहा है और बाहर का नज़ारा काफ़ी बेटर लग रहा है। अभी तो सिर्फ नाश्ता पानी हो रहा था जो मैंने बताया, वहाँ इतनी भीड़ ऐसी रहती है कि कुछ दिखा नहीं सकते, सारा इतना भीड़ रहता है, यहाँ के लोग भी एकदम अजीब है। हाँ फ़ोन गिर जाएगा या तो गायब हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये देखो यहाँ से बैंड बाजा मरा निकलना चालू हो गई है, ये दूसरी बैंड की है। देखो ओके का खेल कर रहे, जो दहेज में मिला है और ये सब सामान रखे हैं यहाँ पर दहेज के, हुक्का भी देते हैं यहाँ पे। वाह लगता है राजस्थान में करनी पड़ेगी शादी।
आने वाले टाइम में। मजाक है ये अंकल बहुत देर से एंटरटेन कर रहे हैं हम सबको। स्नैप भेजूंगा मैं भी। दोनों धुलों को बराबर सेम टू सेम ही मिला है, उधर साइड भी वही है, तो मैं सोचा एक साइड का ही उतार दूँ। तो काफ़ी देर हो गई है, लगभग 11 बजने वाला है, उसके बाद बारात अंदर आएगी। 2 बजे तो यहाँ से निकलने का है। यहाँ का सिस्टम बहुत ही अलग है एज कम्पेयर टू हमारी जगह पे। मेरे बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा है, क्या कर सकता हूँ, पर इंजॉयमेंट तो हो ही रहा है और यहाँ सब अच्छा ही है, ठीक ठाक। और अभी तो मैं यूपी में हूँ, आप सबको पता ही होगा। देखो मेरी जो लाइन भी निकल रही है, ये मजाक था, चलो रखता हूँ। हम निकाह बढ़ाने जाएंगे, पता नहीं कब पढ़ाएंगे, एक तो बच गई है, फिर हम लोग निकलेंगे कब ये भी नहीं मालूम, देखते क्या होता है। यहाँ पे अभी देखो निकाह बढ़ा रहा है, आगे देखो सिग्नेचर हो रही है दूल्हे भाई की। ये वो दूसरा दूल्हा है, यहाँ पे अभी फोटो खिंचा रहा है। रास्ते लेके अब तक अभी यहाँ पहुँचे, बस से ही गए, गाड़ी से सेटिंग नहीं बैठ पाया था, बस से ही आ गए, जगह थी नहीं तो ये मंदिर रुके। यहाँ पे अभी बंदे उतरे तो मुझे सीट मिली है सही तरीके से बैठने के लिए। दिन भी बहुत आ रही थी यार, करीब 6 बजे हो गए। तो अब सब ख़त्म हो चुका है वही शादी का सिलसिला, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।